बहुत से लोग जानते हैं, ये है अस्सलाम वालेकुम पहली तो, वालेकुम अस्सलाम, ये है फजले मोइन चिश्ती। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे माशाल्लाह से ये, अभी आप अपने बारे में बता दीजिए, मैं नहीं होती हूँ बताने वाली। मैं हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार का अदना का गुलाम हूँ, खाके दर पंजतन सैयद फजले मोइन चिश्ती। मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम से जो मिशन चलता है बारगाह गरीब नवाज से पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, तो हुजूर सरकार गरीब नवाज के करम की बात है कि वो खिदमत हमारे जिम्मे दे रखी है, ये आसान है। तो जहाँ तक आपका सवाल मुहर्रम के मुतालिक है, हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में 29 ज़िलहिज्जा को चौकी चलती है, चौकी की सवारी होती है, जो गरीब नवाज गेस्ट हाउस 2 नंबर गेट के सामने है, वहाँ से चौकी उठती है और हुजूर सरकार गरीब नवाज की जो रुबाई है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना इला इला अस्त हुसैन। हुजूर सरकार गरीब नवाज की रुबाई से उस सवारी का आगाज़ होता है और वो सवारी को 2 नंबर गेट से लेके 3 नंबर गेट में जो बड़ी इमाम बारगाह है, जहाँ पर इमाम का ताज़िया 12 महीने रखा जाता है, वहाँ पर इख्तदाम होती है उस सवारी का और सलाम पेश किया जाता है इमाम अली मकाम की बारगाह में। तो उस दिन से मुहर्रम के अय्याम तकरीबात अजमेर शरीफ में शुरू हो जाती है। वो एक आगाज़ होता है, एक गम का जो शामियाना होता है वो तन जाता है। फिर उसके बाद में, क्योंकि इस बार पहली मुहर्रम को ही जुमेरात थी, तो साल की जो पहली जुमेरात होती है, मुहर्रम की जो पहली जुमेरात होती है, उसको नौचंदी जुमेरात कहा जाता है, जिसमें कुंडों की नियाज होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, 5 कुंडे होते हैं पंजतन पाक के नाम के, और दस्तरखान पर पालक के पत्ते बिछाए जाते हैं, उस पर वो कुंडे रखे जाते हैं और जो भी अपने अपने घरों में भरते हैं, जो जिसकी नियत होती है, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, मिठाई भी होती है, ड्राई फ्रूट भी होते हैं, तो अपनी अपनी नियत और हैसियत के मुताबिक, मन्नत के मुताबिक उसमें वो कुंडे भरते हैं। और छठा कुंडा जो होता है उसमें पानी होता है, जिसमें उस दस्तरखान पे जितने भी लोग शरीक होते हैं, जो तबर्रुक खाते हैं, वो फिर उसी पानी के कुंडे में हाथ धो के उठते हैं और उस दस्तरखान पे जो भी दुआएं मांगे जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के सदक़े में, शहदाए करबला के सदक़े में, इमाम अली मकाम के सदक़े में, कभी भी वो दुआएँ रद्द नहीं होती। हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के आगे, तकदीर बदलनी है तो आ इनके घर पे आ, झोली तुझे भरनी है तो आ इनके घर पे आ, इनके करम से देता खुदा बेहकार है, बेमिसल है रसूल अली लाजवाब। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद में 5 मुहर्रम को यहाँ पर अलम की सवारी होती है, मौला अब्बास अलम बरदार अलैहिस्सलाम के अलम, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे अलम लेके, छोटे से लेके बड़े तक, तमाम लोग हाथ में अलम लेके पहले इमाम की बारगाह में इमाम के ताज़िये पे मस करते हैं और फिर 5 नंबर गेट के बाद नमाज असर वो सवारी शुरू होती है और बड़ी इमाम बारगाह जो दरबार के पीछे है वहाँ पर सवारी लेके जाते हैं अलम की, और वहाँ पे नसब किया जाता है मौला अब्बास का अलम। और चांद रात से लेके 7 मुहर्रम तक यहाँ पर आस्ताना आलिया जब मामूल हो जाता है, बंद हो जाता है, कड़के के बाद 5 नंबर गेट पर फर्श अज़ा बिछाई जाती है और बाज़ होती है, सोज खानी होती है, और उसके बाद में तकरीर होती है फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम, और शहदाए करबला का ज़िक्र होता है, बताया जाता है कि करबला में क्या, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं के फर्श अज़ा से दूर रहें, वहाँ पे अली अली करना है उनसे दूर रहें, वो शिया हैं, वो राजी हैं, तो मैं आपके चैनल से के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि कोई अगर अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, कोई ये कहता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, तो सबसे पहली सुन्नत है मौलाए कायनात का जिक्र। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर, हर काम पर मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान किए और उनके अलाकाब बताए, किसी मकाम पे
रसूल अल्लाह ने बताया अलहक मा अली फा अली मा अलहक, जिधर हक है उधर अली है, जिधर अली है। किसी मकाम पे फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये है। तो बहरहाल अपनी महफिलों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आपकी हदीस है कि अपनी महफिलों को जीनत दो अली के जिक्र, तो पंजतन पाक का जिक्र होता है। फिर उसके बाद में सात मुहर्रम को तमाम लोग हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, जो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं, उनकी मेहंदी लेके बारगाह इमाम में हाजिर होते हैं और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते हैं। और यहाँ से वो मेहंदी काफ़ी सारे लोग जिनके घर में जवान बच्चियाँ हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो मेहंदी लेके अपने अपने घरों में जाते हैं और अल्लाह के करम से पंजतन पाक के सत्ते में गरीब नवाज की वकालत से उनके नसीब अल्लाह ताला बुलंद करते हैं। फिर 8, 9 और 10 तारीख को ये तीन दिन इमाम के ताज़ीर की सवारी होती है। 8 तारीख को हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार का जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ से लेके 5 नंबर गेट पे ताज़िया ला के रख दिया जाता है। 9 तारीख को यहाँ से सवारी शुरू होती है और बड़ी इमाम बारगाह वहाँ पे ले जाके 9 तारीख को ताज़िया रख दिया जाता है। और फिर 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन बड़ी इमाम बारगाह से लेके पूरे दरबार के चारों तरफ जो एतराफ में जो गली है वहाँ से होते हुए मेन गेट से होते हुए जो करबला है झालरा है वहाँ पर इमाम का ताज़िया ठंडा किया जाता है। अब जो आपका ख़ास सवाल था ताज़ियादारी के मुताल्लिक, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ताज़ियादारी क्या है, कहाँ से साबित है। ताज़ियादारी सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि ताज़ियत कहते किसे। ताज़ियत कहते हैं किसी के गम को बांटना, किसी की याद मनाना। मिसाल के तौर पे अगर हमारे किसी रिश्तेदार के या ख़ानदान वाले कोई भी रिश्तेदार हो, अगर उनके घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई तकलीफ़ होती है या किसी का इंतकाल हो जाता है, तो तमाम रिश्तेदार उनके घर जाते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं, उनके गम को बांटते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि ताज़ियत कहते किसे हैं। ताज़ियत कहते हैं किसी की याद को मनाना, किसी के गम को मनाना। तो जब हम आपस के जो रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में हम ताज़ियत पेश करने जाते हैं, तो ये तो वो अय्याम हैं, ये तो वो नवासा रसूल हैं जिनको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा पूरे कुनबे के साथ शहीद कर दिया गया। तो ये ताज़ियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम पेश करते हैं। अब फ़र्क ये है कि कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का नक्शा बना के ताज़िया निकालता है, कोई गरीब नवाज के रोज़े का नक्शा बना के ताज़िया निकालता है। अजमेर शरीफ में बारगाह गरीब नवाज में इमाम के रोज़े का नक्शा एक कदीम ज़माने से बनाया जाता है और ताज़िये की शक्ल में ये सवारी अंजाम पसीर होती है। अब जहाँ तक बात है गम की, गम मनाने के लोग कहते हैं, एक सवाल बड़ा आम है, मुहर्रम के आते ही लोग सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस वीडियोस वायरल करते हैं कि गम नहीं करना चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए, ये कहाँ से साबित है। सारी किताबों में मौजूद है, जब जिब्रील अमीन करबला की खाक लेके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये बताया कि ये वो खाक है कि जहाँ पर आपके नवासे हुसैन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहेगा जिस खाक में, तो सारी तारीखें गवाह हैं, सारी किताबें गवाह हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम की शहादत से पहले जब ये खबर सुनी तो आपने उस खाक को एक बर्तन में अपने सामने रखा अपने हुजरे मुबारक में। कुछ किताबों में है बर्तन, कुछ किताबों में है एक बोतल, एक शीशी में, बहरहाल किसी चीज़ में उस खाक को रखा और आप करबला को याद करके अपने नवासे की शहादत को याद करके इस तरह से रोए बुलंद आवाज़ से और इस तरह से रोए कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक थी। तो ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। जो भी होगा यहाँ उम्मीद से बढ़कर होगा, एक कतरा भी ये दे दे तो समंदर होगा। अपने हाथों की लकीरों को ना देखो राहिद, जो हुसैन अपने अली कह दे मुकद्दर होगा। गम में शब्बीर के बस हम ही नहीं रोते हैं, रोने वालों में तो सरदार पैगंबर होगा। मनकबत बैनुल हरमैन में पढ़कर आया, और क्या फजल मुई तेरा मुकद्दर। तो यहाँ पर इमाम का ताज़िया रखा है
हम सिर्फ आपके चैनल से, हालांकि मिसालें तो बहुत सी हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी रिवायतें हैं जिनसे बयान हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो क्या आपकी और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके फ़ज़ाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये आले रसूल हैं, ये अहले बैत हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए समझने की बात यह है कि अभी 18 ज़िलहिज्जा को जश्न ऐलान विलायत, जिसमें रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात को बुलंद करके फरमाया मन कुन तो मौला फहाद अली मौला 125,000 के मजमे में, और अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल किया। जब वो दिन आया, मुबारकबाद, मुबारकबादी देने का, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे तमाम मौलाई तमाम मोमिनीन, तो सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हुआ था कि साहब काय की मुबारकबाद। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम आने वाले थे, चांद नज़र आने वाला था, तो एक मैसेज चल रहा था नया साल मुबारक, किस बात की मुबारकबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुनबा शहीद हो गया, एक बुजुर्ग से लेके 6 महीने के बच्चे तक को ज़िबा कर दिया गया, इस बात की मुबारकबाद। तो फिर अब ये मैसेज चल रहा है कि ताज़ियादारी कहाँ से साबित है, क्यों है, क्या है। तो लिहाजा इन सारी बातों से समझ में ये आया कि लोगों को जो तकलीफ़ है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से, हालांकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सकलैन हैं, किसी भी आलिम से पूछे हदीस सकलैन, आप फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। हमारे आका और मौला फरमा रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, कोई आम आलिम नहीं कह रहा है, सरदार अम्बिया कह रहा है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक किताबुल्लाह, और एक मेरी अहले बैत, इसमें से एक को भी छोड़ा तो कहीं के नहीं रहूँगा। आज मुसलमान परेशान ही इसलिए हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कुरान काफ़ी है, अहले बैत को छोड़ो। तो लिहाजा हम सिर्फ आपके चैनल से, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, खाली ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई ये सवाल करता है कि ताज़ियादारी कहाँ से साबित है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम जो तकरीबात होती है कहाँ से साबित है, आलम कहाँ से है, मेहंदी कहाँ से है, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल दें, एक जवाब दें कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, नायब नबी अताए रसूल की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में ताज़ियादारी होती आई है, होती है, होती रहेगी। तो हम भी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि तमाम हिंद वालों का मरकज़, तमाम हिंद के मुसलमानों का, मोमिनीन का जो मरकज़ है वो है बारगाह गरीब नवाज, यहाँ पर होता है, करते रहेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।